हेलो एवरीवन आई एम बिजीस इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास एट मैथ एक्सरसाइज सिक्स थ्री विद क्वेश्चन फाइव इन दिस क्वेश्चन वी हैव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो यहाँ पर जो नंबर हमें गिवन है इन नंबर्स में हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए वो नंबर हमें फाइंड करना है नेक्स्ट यहाँ पर आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर अब यहाँ पर जिस स्मोलेस्ट नंबर से आपने मल्टीप्लाई की थी एंड मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स आया जो नंबर्स ऑप टेन हुआ उस नंबर का क्या करना है आपको अगेन स्क्वायर रूट फाइंड करना है अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है टू हंड्रेड फिफ्टी टू अब इसका हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर इसके हम करेंगे तो यहाँ पर टू हंड्रेड फिफ्टी टू अब यहाँ पर देखिए इसके वंस प्लेस में टू है तो दीस मिनिजे नंबर टू से कट हो जाएगा टू वन जो टू टू 4, यहां पर बन रह गया इस साइड आएगा तो यहां पर हो जाएगा ट्वेल्व टू सिक्स टू थ्री जो थ्री का रूल होता है उसमें क्या करते हैं हम डिजिट को ऐड करते हैं तो सिक्स प्लस हो गया नाइन इज डिजल बाई थ्री तो दिस जी होल नंबर थ्री से डिविजल हो जाएगा थ्री टू झा सिक्स थ्री वनजा थ्री अगेन थ्री सेवन ट्वेंटी इस तरह से नंबर अब यहां पर देखिए 2 का पेयर बन गया यहाँ पर, 3 का पेयर बन गया, बस यहाँ पर 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो देश मिनिस जो 7 है, 7 क्या है? एक स्मॉलेस्ट नंबर है, जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 7 यहाँ पर इस्मलस्ट नंबर है जिसमें हम क्या करें अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें सेवन की मल्टीप्लाई इस नंबर से कर दें तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं टू हंड्रेड फिफ्टी टू की मल्टीप्लाई यहाँ पर सेवन से करते हैं तो दिस मीन इज अगर हम सेवन से इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसके जो फैक्टर हैं वो यहाँ पर हम लिखेंगे टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री नेक्स्ट यहाँ पर सेवन है अब यहाँ पर ओनली वन बार सेवन है अगर इसमें हम सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी सेवन से मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह से यहाँ भी सेवन से मल्टीप्लाई हो जाएगी अब नेक्स्ट यहाँ पर इस पर हम रूल लगाएंगे इस तरह से एंड इसमें भी हम रूल लगाएंगे हम हमें करना क्या है इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है अब नेक्स्ट यहाँ पर इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे टू सेवन जा फोर्टीन फोर्टीन का फोर कैरी वन फाइव सेवन जा थर्टी फाइव थर्टी फाइव करेंगे यहाँ पर हो जाएगा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स अगेन कैरी थ्री तो सेवन टू जोटीन एंड थ्री यहाँ पर हो जाएगा सेवनटीन तो यहाँ पर सेवनटीन सिक्स फोर यहाँ पर नंबर आ गया तो इस नंबर का हमें करना क्या है स्क्वायर रूट फाइंड करना है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक टू का पेड़ बन रहा है थ्री का पेयर बन रहा है एंड सेवन का पेयर बन रहा है तो इन पेयर में से एक एक डिजिट हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई सेवन तो इस तरह से हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा तो टू थ्री जाए सिक्स एंड सिक्स सेवन जाए फोर्टी टू तो फोर्टी टू क्या है जो हमने नंबर फाइंड किया था यह नंबर सेवन से इसमें मल्टीप्लाई की सेवन क्या है इसमें नंबर था यहाँ पर एंड सेवन से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमें ऑप्टन हुआ उस नंबर का जो स्क्वायर रूट है यहाँ पर फोर्टी टू है तो इस तरह से आपको इस वाले पार्ट का सोल्यूशन करना है अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर दे रखा है वन हंड्रेड एट्टी अब इसका हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे इसके तो वन हंड्रेड एट्टी के प्राइम फैक्टर हम करेंगे तो यहाँ पर इसके वन प्लेस में जीरो है दिस जिसमें नीचे होल नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा किसी भी नंबर के वन प्लेस में ज़ीरो हो टू हो फोर हो सिक्स एट हो तो ये नंबर टू से डिवाइड हो जाते हैं तो यहाँ पर टू नाइन ज़ा एटीन जीरो यहाँ पर सेम रहेगा नेक्स्ट अगेन टू फोर ज एट वन रह गया वन यहाँ पर आएगा टू फाइव ज टेन अगेन अब यहाँ पर देखिए ये नंबर टू से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर थ्री का थ्री से डिवाइड करके देखते हैं थ्री से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है तो यहाँ पर फोर प्लस फाइव को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जाएगा nine, nine three, तो हो जाएगा नाइन नाइन इज डिजल बाई थ्री तो दिस मीन होल नंबर ये थ्री से डिविजल हो जाएगा थ्री वन जी एंड थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन अगेन थ्री फाइव ज फिफ्टीन फाइव अब यहां पर देखिए टू का पेर बन गया थ्री का पेयर बन गया बट यहां पर फाइव का पेयर नहीं बनाया तो दिस पर जो फाइव है फाइव इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइव क्या है स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे में तो ये नंबर कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा तो यहां पर फाइव इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर अब यहाँ पर वन हंड्रेड एट्टी की मल्टीप्लाई अगर हम फाइव से कर रहे हैं यहां पर इसमें इस तरह से हम रूल लगा देंगे अब यहां पर जो वन हंड्रेड एट्टी के फैक्टर हैं वो यहां पर हम इस तरह से लिख देंगे तो यहां पर टू मल्टीप्लाई टू थ्री मल्टीप्लाई थ्री अगेन यहां पर फाइव है तो इसमें हमने फाइव से मल्टीप्लाई की तो वन हंड्रेड एट्टी के फैक्टर में भी फाइव से यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगी अब यहां पर देखिए इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो आंसर यहां पर आएगा जीरो का जीरो का कैरी जा एंड तो 900 आ गया अब यहाँ पर देखिए इसमें हम इस तरह से रूट लगाएंगे एंड रूट में से जो पेयर बन रहे हैं उन पेयर में से एक एक डिजिट हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर टू बाहर आएगा नेक्स्ट यहाँ पर थ्री बाहर आएगा नेक्स्ट यहाँ से फाइव बाहर आएगा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर टू थ्री जा सिक्स एंड सिक्स फाइव जा थर्टी तो थर्टी वो नंबर है जो हमने नंबर ऑपटेन किया था यानी जो इस्मोलेस्ट नंबर था फाइव इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है एंड नेक्स्ट यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद हमें करना क्या है जो नंबर हमें ऑप्टेन किया था उसका जो स्क्वायर रूट है यहाँ पर थर्टी है उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया वहाँ थर्टी आया तो इस तरह से आपको इस वाले पार्ट का सोलूशन करना है अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर जो दे रखा है यहाँ पर दे रखा है देखिए इसके वंस प्लेस में यहाँ पर एट है तो दिस मिनिट ये नंबर टू से डिविजिबल हो जाएगा तो इसको हम टू से कट करेंगे यहाँ पर टू फाइव ज़ा टेन एंड नेक्स्ट यहाँ पर जीरो टू फोर ज़ा एट अगेन ये टू से कट हो जाएगा टू टू ज़ा फोर टू फाइव ज़ा टेन टू टू ज़ा फोर अगेन ये टू से कट हो जाएगा टू वन ज़ा टू एंड टू टू ज़ा फोर यहाँ पर वन इस साइड आएगा यहाँ पर हो जाएगा ट्वेल्व टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व अगेन ये टू से कट हो जाएगा टू सिक्स जो ट्वेल्व टू थ्री सिक्स अब यहाँ पर देखिए अब ये नंबर टू से कट नहीं होगा तो हम करेंगे क्या यहाँ पर डिजिट है इनकी डिजिट को ऐड करेंगे अगर ऐड करने के बाद ये नंबर थ्री से कट हो रहा है तो दिस में होल नंबर थ्री से कट हो जाएगा तो सिक्स प्लस थ्री होता है नाइन तो नाइन आ रहा है नाइन एट डिविजन वाई थ्री तो दिस में होल नंबर थ्री से कट हो जाएगा थ्री टू जै सिक्स थ्री वन जो थ्री अगेन थ्री से कट करेंगे थ्री सेवन जी ट्वेंटी वन अब उसको हम सेवन से कट करेंगे यहाँ पर तो सेवन वन जो सेवन अब यहाँ पर हम चेक करते हैं टू का पेड़ यहाँ बन रहा है टू का यहाँ भी पेयर बन रहा है और नेक्स्ट यहाँ पर थ्री का पेयर बन रहा है तो यहाँ पर सेवन का पेयर भी नहीं बन रहा है तो दिस इज सेवन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर तो सेवन क्या है स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिसमें हम करेंगे यहाँ इस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें सेवन की तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो हम करेंगे क्या यहाँ पर इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वन जीरो जीरो एट मल्टीप्लाई बाई सेवन तो यहाँ पर इसके जो फैक्टर है वो यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर टू मल्टीप्लाई टू टू मल्टीप्लाई टू नेक्स्ट यहाँ पर थ्री मल्टीप्लाई थ्री अब यहाँ पर देखिए वन थाउजेंड एट के यहाँ पर जो फैक्टर है वो यहाँ पर इस तरह हो गए अब इसमें हमने क्या किया है इसमें हमने सेवन से मल्टीप्लाई की है एंड यहाँ भी हम सेवन से इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर इन सबका पेयर बन जाएगा सबका पेन बन रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर हम इस तरह से हम रूल लगा देंगे इस तरह से अगेन यहाँ पर रूल लगाएंगे अब यहाँ पर क्या करेंगे जीरो से तो कर यहाँ पर, तो पर आएगा जीरो एंड जीरो में हम कैरी ऐड करेंगे तो यहाँ पर जाएगा अगेन जीरो पर सेवन आएगा तो इस तरह से यहाँ पर आ गया से थाउजेंड फिफ्टी सिक्स अब यहाँ पर देखिए इन जो पेयर बने हैं इन पेयर में से हम क्या करेंगे

इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है अब यहां पर ये परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर बन जाता है नंबर, तो इसका हमने जब तो इस इस तो हम टू से कट करते हैं टू जीरो अगेन टू से कट करेंगे इसको टू फाइव जन अब यहाँ पर देखिए वन टू से कट नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा ये फोर्टीन पूरा नंबर टू से कट करना होगा अब यहां पर देखिए टू डिजिट हम ले रहे हैं तो टू डिजिट यहाँ पर हम ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे इसमें जीरो लगा देंगे एंड यहाँ पर सेवन हो जाएगा टू सेवन अगेन यहाँ पर अब यहां पर देखिए नंबर कैसे कट होगा नंबर टू से कट नहीं हो रहा है तो हम करेंगे क्या इसकी डिजिट को ऐड करते हैं थ्री से कट हो रहा नहीं हो रहा है तो फाइव तो प्लस सेवन यहां पर हो गया ट्वेल्व ट्वेल्व इज डिविजिबल बाई थ्री तो दिस मीनिज होल नंबर थ्री से कट हो जाएगा तो इसको हम थ्री से कट करेंगे थ्री वन 3, अब यहाँ पर टू रह गया वो इस साइड आएगा तो थ्री सिक्स 18, थ्री सिक्स 18 यहाँ पर ट्वेंटी हो गया था अब यहाँ से टू वो इस साइड आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ट्वेंटी सेवन थ्री नाइन 27, ट्वेंटी तो सेवन अगेन इसको हम थ्री से कट करेंगे थ्री फाइव जो फिफ्टीन तो यहाँ पर देखिए थ्री से कट नहीं हो रहा है थ्री फाइव फिफ्टीन एंड वन यहाँ पर आएगा तो नाइनटीन हो जाएगा नाइनटीन इज नॉट डिजेड बाई थ्री तो ये नंबर थ्री से कट नहीं होगा अब यहाँ पर ये यह नंबर कट होगा तो डायरेक्ट थर्टीन से ये आपको ध्यान रखना है ये थर्टीन का स्कोयर होता है वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन थर्टीन से कट हो जाएगा एंड यहां पर थर्टीन से कट हो जाएगा ये अब यहां पर देखिए टू का पेयर बन गया अब यहाँ पर थ्री का पेयर नहीं बन रहा है एंड यहां पर थर्टीन का पेयर बन गया तो यहां पर क्या है थ्री इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर थ्री इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर थ्री क्या है स्मोलेस्ट तो होल नंबर है जिसमें हम करेंगे क्या इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री की तो यहाँ पर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो हम करते क्या है यहाँ पर टू ज़ीरो टू एट मल्टीप्लाई बाई थ्री अब यहाँ पर टू थाउजेंड ट्वेंटी एट के जो फैक्टर है, है वो यहाँ पर हम लिखते हैं तो इस तरह से टू मल्टीप्लाई टू थ्री मल्टीप्लाई थर्टीन मल्टीप्लाई थर्टीन अब यहाँ पर देखिए

अब यहाँ पर जो पेयर बनना है इन पेयर में से हम करेंगे क्या एक डिजिट बाहर निकाल आएगी अब हम क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे टू थ्री जर सिक्स एंड सिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे थर्टीन से तो यहाँ पर आएगा सेवन एट तो इस तरह से आपको इस वाले पार्ट का सोल्यूशन करना है अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर जो दे रखा है

एटीन इज डिविजल वाई थ्री तो इन डिजिट का जो सम है वो यहाँ पर थ्री से कट हो रहा है तो दिस मीन इज यहाँ पर जो होल नंबर है ये पूरा नंबर थ्री से कट हो जाएगा तो यहाँ पर इसको हम थ्री से कट करेंगे थ्री टू जै सिक्स और नेक्स्ट यहाँ पर वन रहेगा वन इस साइड आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ट्वेल्व थ्री फोर जा एंड थ्री थ्री जा नाइन अगेन हम थ्री से कट करेंगे थ्री एट जा ट्वेंटी फोर थ्री वन अगेन ये थ्री से कट हो जाएगा तो यहाँ पर थ्री टू जॉ सिक्स एंड थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन अगेन थ्री नाइन जै ट्वेंटी सेवन अगेन थ्री थ्री ज़र नाइन एंड थ्री वन थ्री अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कौन कौन से नंबर के यहाँ पर पेयर बन रहा है तो यहाँ पर थ्री का पेयर बन रहा है इस वाले थ्री का पेयर बन रहा है एंड इस वाले थ्री का पेयर बन रहा तो है तो दिस मिली यहाँ पर टू का पेयर नहीं बन रहा है तो इसमें हम क्या करें टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो यहाँ पर टू इज होल नंबर टू से मल्टीप्लाई कर देंट बन जाएगा तो इसमें हम करेंगे हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे अब यहाँ पर जो नंबर्स के हमने फैक्टर किए थे वो फैक्टर यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर टू मल्टीप्लाई अगेन टू यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर टू आर टू हो गया तो नेक्स्ट यहाँ पर थ्री थ्री यहाँ पर थ्री का पेयर यहाँ पर थ्री बार है तो यहां पर वन पेयर नेक्स्ट सेकेंड नेक्स्ट थर्ड पेयर अब यहां पर हम रूट लगाएंगे इस तरह से अब जहाँ पर ये पेयर बन रहा है इन पेयर में से एक एक डिजिट हम बाहर निकाल देंगे तो यहां पर टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर टू थ्री जा सिक्स एंड सिक्स थ्री जा

अगेन टू से कट हो जाएगा ये तो यहाँ पर टू नाइन 18, टीन एंड यहाँ पर साइड तो पर हो जाएगा टू सिक्स टू से कट टू वन जा फोर अगेन टू से टू सिक्स एंड अगेन टू से टू थ्री जा, जा सिक्स पर ये थ्री से कट होगा अब यहाँ पर देखिए आपकी कौन कौन से नंबर का पेयर बन रहा है तो यहाँ पर टू का पेयर बन रहा है

टू तो 2 टू अगेन टू मल्टीप्लाई टू अगेन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई pair यहां पर पेयर है, है तो यहाँ पर हम 4 पेयर बनाएंगे 2 के अगेन यहाँ पर 3 तो थ्री से हमने मल्टीप्लाई की इस नंबर में तो यहां पर हम थ्री से यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से यहां भी रूट लगाएंगे एंड यहाँ भी इस तरह से रूट लग जाएगा तो हम पेयर बनाएंगे इस तरह से ये पेयर हो गया ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया नेक्स्ट पर ये पेयर बन गया तो इन पेयर में से हम एक एक डिजिट बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर टू मल्टीप्लाई टू अगेन टू मल्टीप्लाई टू नेक्स्ट मल्टीप्लाई थ्री अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे टू टू जोर एंड फोर टू जट टू जा सिक्सटीन एंड सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट तो यहाँ पर जो आंसर आया है वो यहाँ पर है फोर्टी एट तो इसका ये यहाँ पर आंसर हो गया तो इस तरह से आपको इस वाले पार्ट का सोल्यूशन करना है आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फाइव का सोलूशन इजिली अंडरस्टैंड हुआ होगा